हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। आज आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम डेट की नोटिस आ गई है, तो जो पहला फेज का एग्जाम होगा तो उसका नोटिस आ गया। तो चलिए वीडियो में क्या है वो आगे देखते हैं। ग्रुप डी सिटी नोटिस आ गई है, तो आज की डेट में ग्रुप डी की जो सिटी नोटिस है फेज वन की वो जारी कर दी गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये नोटिस आई है RRC 1/2019 लेवल वन पोस्ट, तो यही नोटिस है। नोटिस में क्या है देखते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल वन ऑफ 7th CPC मैट्रिक्स नोटिस एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी फेज वन। तो फेज वन जाहिर सी बात है ग्रुप डी का एग्जाम है, करोड़ों फॉर्म इसमें भरे गए हैं, तो इसमें फेज वाइज में एग्जाम होंगे। तो पहला फेज वन का नोटिस आया है, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है सीबीटी ऑफ एवव सेंट्रलाइज विल बी हेल्ड इन मल्टीपल फेजेज, मल्टीपल फेज में एग्जाम होने वाले हैं। अकॉर्डिंगली द फर्स्ट फेज ऑफ द एग्जाम डेट मीन्स फेज वन विल बी हेल्ड फ्रॉम 17/8/2022 टू 25/8/2022, मतलब 17/8 से 25/8 तक पहला फेज चलेगा। मात्र 9 दिन का यह पहला फेज चलेगा फेज वन, सब्जेक्ट टू द प्रिवलिंग कंडीशन एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ हैंडलिंग ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक। तो पहले पॉइंट में साफ क्लियर है कि 17/8 से 25/8 तक फेज वन चलेगा, और बस यही 9 दिन का फेज वन होगा। आगे इसमें है, इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स द सीबीटी हैज बीन प्लान्ड इन मल्टीपल फेजेज बाय ग्रुपिंग डिफरेंट आरआरसी। तो रेलवे ने डिसाइड किया है कि सीबीटी जो लिया जाएगा वो ग्रुप बना दिया गया है, आरआरसी का ग्रुप बना है। तो जैसे पहले बोर्ड वाइज या तो उस ढंग से अब नहीं होगा, अब क्या होगा जो ग्रुप वाइज होगा। जैसे पहला बार जो फेज वन होगा इसमें से 3 ग्रुप का एग्जाम होगा। तो क्या क्या होगा, कौन कौन ग्रुप इसमें आए हैं आरआरसी का? तो ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एग्जाम होगा, साउथ सेंट्रल रेलवे का एग्जाम होगा, और वेस्टर्न रेलवे। बस यही 3 रेलवे में जो स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, जोन से फॉर्म भरे हैं, ईसीआर एससीआर और वेस्टर्न रेलवे। तो बस फेज वन में इन्हीं तीनों का अभी एडमिट कार्ड आएगा और एग्जाम लिया जाएगा फर्स्ट फेज में। उसके बाद फर्स्ट फेज खत्म होते होते उससे पहले सेकेंड फेज का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। आगे है, एग्जाम शेड्यूल ऑफ रिमेनिंग फेजेज आरआरसी विल बी अनाउंस इन ड्यू कोर्स। अगला है पॉइंट नंबर 4, द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट। तो जो एग्जाम सिटी और डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवल अथॉरिटी फॉर एससीएसटी का जो ट्रेवल, जो भी एससीएसटी के स्टूडेंट है उनके लिए ट्रेवल अथॉरिटी जो आता है पास विल बी मेड लिस्ट लेटेस्ट बाय 10/09/2022। मतलब एग्जाम का डेट कब से कब आया है, तो 17/8 से लेके 25/8 तक है, लेकिन 9/8 मतलब 9 अगस्त को आप लोग का जो भी है उनका एग्जाम सिटी और डेट पता चल जाएगा, और उनके लिए एससीएसटी का पास भी अवेलेबल हो जाएगा ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल आरआरबीज। तो ये तो क्लियर हो गया, जो इस वाले फेज में सिर्फ 3 आरआरसी का होगा एग्जाम लिया जाएगा इस बार ग्रुप वाइज बना के, वो भी बोर्ड वाइज नहीं ग्रुप वाइज, जोन वाइज नहीं। तो जैसे इस बार ईसीआर का होगा, एससीआर का होगा, और वेस्टर्न रेलवे WR का होगा। तो SCR और WR साथ में ECR, ये 3 RRC का सिर्फ एग्जाम होगा, जिसका एडमिट कार्ड आप लोग को 9/8/2022 से आप लोग को सिटी पता चल जाएगा। एग्जाम सिटी एडमिट कार्ड तो 4 दिन पहले ही पता चलेगा, लेकिन आप लोग का सिटी पता चल जाएगा, और SCST के जो भी स्टूडेंट है वो अपना पास वाला ट्रेवल अथॉरिटी वो देख लेंगे। अगला है, डाउनलोडिंग ऑफ इक्वल लेटर विल स्टार्ट 4 डेज, तो 4 दिन पहले एडमिट कार्ड हर एग्जाम्स में ऑनलाइन में आता है, तो 4 दिन पहले पता चलेगा प्रायर टू एग्जाम डेट मेंशन इन एग्जाम सिटी एंड डेट इन इंटीमेशन लिंक। आगे है, आधार लिंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर प्रायर टू एंट्री इन द एग्जाम हॉल। देखिए, ये आधार लिंक बायोमेट्रिक का इस बार NTPC में भी हुआ है, लेकिन ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि NTPC में बहुत जगह आधार वेरिफिकेशन का ये टॉपिक नया इस बार जरूर है, लेकिन आधार वेरीफाइड नहीं हुआ, फिर भी वो लोग का एग्जाम हुआ, एक फॉर्म भरवा करके एग्जाम होगा। जिसका भी आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, चाहे कारण जो हो, वहाँ का सेंटर पर का नेट स्लो हो या जो भी उनके पास व्यवस्था सही से नहीं हो, तो आप लोग को एक फॉर्म भरवा करके और वहाँ पे आपको एग्जाम में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल कोई भी स्टूडेंट ये टेंशन नहीं लीजिएगा कि अगर हमारा आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आप लोग NTPC वाले एग्जाम में देख चुके हैं। आगे है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, जो भी कैंडिडेट है वो उनको एडवाइस दिया गया कि ऑफिशियल वेबसाइट देखिए आरआरबीज का। आगे है, तो इसमें अब आगे कुछ नहीं है, 5/8/2022 आज की डेट का ये नोटिस है आया है। तो फाइनली ग्रुप डी का एग्जाम जो कितना दिन से पेंडिंग था वो अब एग्जाम शुरू हो रहा है ग्रुप डी का। तो ये ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इसमें रिजल्ट लेके आप लोग अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है। तो अब आप लोग के पास लास्ट टाइम जो है उसको खूब पढ़िए, तैयारी कीजिए और एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।